हेलो गाइस, वेलकम टू पुरानी गाड़ी डॉट कॉम। गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली मारुति सुजुकी वैगनार के बारे में, जो कि मॉडल नंबर है 2016 और जो गाड़ी चली हुई है 65,000। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक टीचर की कार है और जो उन्होंने भेजा है, जैसे उन्होंने भेजा भी है मुझे 65,000 का, जो अभी उन्होंने मीटर की पिक्चर भी भेजी और ये अंदर की पिक्चर भेजी, और ये एक्चुअली ऑनर ने मुझे मॉर्निंग ही गुजरात से ये अपनी सारी पिक्चर्स भेजी हुई हैं गाड़ी की। और जो गाड़ी मुझे दिख रही है जेन्युइन कार दिख रही है, ये है गाड़ी का इंजन, जहाँ में आप देख रहे हैं कि बैटरी में कहीं भी कार्बन कहीं से मुझे नजर नहीं आ रहा जमा हुआ। तो गाइस बहुत ही अच्छी कंडीशन में कार है, जैसे कि हमेशा बताता रहता हूँ, टायर्स यहाँ पे कंपनी के हैं और यहाँ पे टायर्स भी एकदम न्यू दिख रहे हैं। तो पूरी कंडीशन जो गाड़ी की, और ये हैं गाड़ी के ऑनर जिन्होंने ये गाड़ी की मुझे पिक्चर्स भेजी हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कि गाड़ी तो अच्छी है ही, एक बार जो ऑनर ने मुझे मॉर्निंग जो प्राइस दिए थे वो 2.5 लाख रुपए दिए थे इस गाड़ी के, और डायरेक्ट ऑनर से कार खरीदने का जो फायदा होता है वही फायदा होता है एक्चुअली, कि आपको जो कॉस्टिंग है वो रियल कॉस्टिंग मिल जाती है। और जैसे कि हमेशा हर एक वीडियो में ये इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है वो ओनर की गाड़ी क्यों सस्ती पड़ जाती है। तो गाइज ये जो उन्होंने प्राइस दिया, और ये शायद गवर्नमेंट टीचर भी हैं जो उन्होंने मुझे बार बार एक्चुअली बताया भी था, क्योंकि बात करते पे तो ये गुजरात में गवर्नमेंट टीचर हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन प्रोफाइल पे बैठे हुए भी हैं। तो गाइज पूरा गाड़ी का इन्होंने पिक्चर जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, फटाफट एक बार इनसे बात कर लेते हैं लाइव और जानते हैं कि जो है ना इन्होंने जो मेरे जो 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 भी यहाँ पे बंदे बैठे हैं उन्होंने 2 लाख रुपए लास्ट इनसे बोला है, इन्होंने जो लास्ट बोला है 2 लाख बोला है। एक बार फिर भी मैं इनसे बात करूँगा और जानूंगा कि गाड़ी के बारे में थोड़ा, कि गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह है या नहीं है अभी, तो क्योंकि गाइज उन्होंने ये शायद मैंशन नहीं किया है लिस्ट में। हेलो, हाँ जी कौन? श्याम कुमार जी, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? सॉरी सॉरी मैम, टीचर जो श्याम कुमार जी बात कर रहे हैं? सर श्याम जी तो नहीं है, वो गए हैं कहीं मार्केट वार्केट गए हैं, बताइए सर। ओके मैम, मैं बोल रहा था कि एक्चुअली सर ने मुझे आज मॉर्निंग ही अपनी एक ना गाड़ी की पिक्चर व्हाट्सएप की है वैगनार। अच्छा अच्छा सर, आप पुरानी गाड़ी से बोल रहे हैं? जी जी मैम, पुरानी गाड़ी से बात कर रहा हूँ एक्चुअली, और उन्होंने जो मुझे कॉस्टिंग दी थी वो एक्चुअली जो मेरे ऑनर से जितने मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं उनसे मेरी जब बात हुई है तो उन्होंने जो लास्ट प्राइस दिया मुझे 2 लाख रुपए दिया है मैम। 2 लाख? सर 2.5 लाख की बोल रहे थे वो तो। मैम नहीं नहीं उन्होंने 2 लाख में तो सर वो मैम, गाड़ी की कंडीशन आप देख रहे हो सर। ऑफकोर्स मैम, मेरी मैम टीम की डिस्कशन उनसे हुआ तो उन्होंने जो लास्ट प्राइस मुझे दिया है वो 2 लाख रुपए दिया है। 2 लाख? सर 2 लाख तो बहुत कम हो जाएंगे सर, देख लो आप, ठीक बहुत है मैम। कम है सर, नई गाड़ी लेनी है हमको। हाँ जी मैम बिल्कुल, आपको नई गाड़ी लेनी है उसके लिए आपको मैम मैं जानता हूँ सारी चीजें, लेकिन जो उन्होंने मुझे प्राइस बोले बेसिकली। अच्छा मैम, इसका इंश्योरेंस अभी बकाया है क्या? सर नई गाड़ी है सर, सब है सर, सब कुछ है। ओके ओके ठीक है मैम, एक बार वो तो सारे आपको डिटेल भी भेज चुके हैं शायद, सबको पेपर वेपर भी भेज रहे थे कल तो मेरे साथ। जी जी मैम, जी जी एक बार ना तो श्याम कुमार जी जैसे ही मैम घर आते हैं एक बार और प्लीज उनसे मेरी बात कराइएगा। हाँ सर गाड़ी सर की बिल्कुल, रिगार्डिंग आप कर में। लो सर 6 बजे 7 बजे करीब कर लो सर, थैंक यू। गए हुए हैं वो, ओके थैंक यू है मैम, ना सर? थैंक यू सो थैंक मच, यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी जो है हमें श्याम कुमार जी तो नहीं मिले, बट मैं चाहूँगा एक बार मैं उनसे इवनिंग में बात करना, सारी डिटेल लेना उनसे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी मैं अपने गाड़ियाँ अपने चैनल पे कोई भी कार अपलोड करता हूँ उससे पहले हमेशा ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि आपके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो पाए, क्योंकि जब भी मैं चेकआउट करता हूँ तो क्या क्या चेकआउट करता हूँ एक बार आपको ही बताता हूँ। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी खरीदने से पहले सारी डिटेल मंगवाइए। अब उसको मैच आउट कैसे करेंगे, देखिए मैच आउट करने का सबसे पहले तो हमेशा फर्स्ट ओनर कार खरीदिए, सेकंड ओनर कभी कार मत खरीदिए गाइज। अब उसका मैं आपको एक जरिया ही बताता हूँ कि कैसे आप पूरी गाड़ी को ना एक चेकआउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये सही कार है या नहीं है। तो गाइज देखिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले थोड़ा कैमरे को पास लाऊंगा और फिर मैं बताना चाहूंगा, vahan.nic.in इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पे व्हीकल नंबर डालिए और यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड डालिए और सेव द व्हीकल करिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको कार की सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी कि कार किसके नाम पे ली गई है, कौन सी ईयर में निकली थी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, है ना। तो सारी चीजें यहां पे निकल के आ जाएंगी आपके पास, कब तक वैलिड है। तो गाइज फिर उसी के जो गाड़ी जिसके नाम है उसी की फिर आप आईडी प्रूफ मंगवाइए और उससे मैच आउट करिए कि गाड़ी इन्हीं की है या फिर किसी और की है। गाइज यहां पे आपको परफेक्ट प्रूफ मिल जाएगा गाड़ी का, उसके बाद ही आप कोई कार परचेज करिए
नहीं तो आप भी मार्केट में जैसे बहुत सारे लोग धोखा खा चुके हैं और बहुत सारे लोग अपने 70 70 80 80 हज़ार रुपये डाल चुके हैं उनके अकाउंट्स में। तो गाइज मैंने बहुत ऐसी अभी वीडियो भी पिछले दिनों बनाई थी और वैसे बहुत सारे कस्टमर के मेरे पास कॉल आए, सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो प्लीज़ उनसे बचिए, क्योंकि गाइज मैं बहुत मतलब आपसे विनती भी कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कि पहले गाड़ी को जाके देखा करिए, उसके बाद कोई अमाउंट सेंड किया करिए, ठीक है ना गाइज। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप अपनी पुरानी कार कोई बेचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी गाड़ी की पिक्चर्स, अपनी फोटो, अपनी प्रोफाइल एंड साथ ही साथ अपनी गाड़ी को एक अच्छे प्राइस में बेचिए। एंड साथ ही साथ अगर आप पुरानी गाड़ी सर्च करें तो भी आपके लिए पुरानीगाड़ी.com एक बेस्ट ऑप्शन है बॉस, यहाँ से आप अच्छी गाड़ियाँ परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनर को कॉल करके। तो गाइज यहाँ भी आपको वैगनर जो है आप डायरेक्ट जो है ना मुझे कॉल करिए और इस गाड़ी को फटाफट परचेज करिए। गाइज मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।